रहने वाला मैं यूपी का हूँ, जिला जौनपुर है मेरा, समाजगंज बाजार के रहने वाला हूँ। वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करता था, बस घर पे रहता था। मैं दिल्ली में रहता था, यहाँ पर जॉब करता था गोलबाग में, कपड़े का काम करता था, सेल्समैन ही काम करता था। अचानक मुझे रात को 12 बजे करीब मुँह से हल्का हल्का ब्लड आने लग गया। तारीख मुझे याद नहीं है, फिर भी 6 महीने बाद ब्लड हल्का हल्का आने लग गया। मुझे लगा ऐसे कुछ गर्मी की वजह से हो गया होगा, तो मैंने एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन फिर ज़्यादा ब्लड आने लग गया। फिर मैंने चेक कराया, जाके हॉस्पिटल में चेक कराया, तो वहाँ पता चला टीबी का, दीपचंद में, हाँ उसमें पता चला कि टीबी का है, शिकायत है तुम्हें टीबी का। तो वहाँ पर तो इलाज नहीं होता टीबी का, जहाँ पर भी होता है मुझे मालूम नहीं था। मैं 2 दिन तक चक्कर काटा तो कहीं मुझे पता नहीं चला, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। फिर दूसरे के अस्पताल में भी गया, वहाँ पर सब कुछ चेक कराया, नहीं वो अस्पताल वाले क्यों आएंगे यहाँ पर, वो पेशेंट नहीं जाएगा हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, 2 घंटे लाइन में लगाओ, नंबर पे लगाओ, कुछ नहीं होता। फिर कहेंगे कल आओ, परसों आओ, सुबह आओ, ऐसे आओ, जाना अपना टाइम बेकार हुआ मेरा। काफ़ी दिन मैंने भी 2-3 चक्कर मारे थे हॉस्पिटल में, ऐसा हुआ मुझे लगा मुझे अब कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं घर पे रह सकता। मैंने अपनी वाइफ बोला मैं नहीं जा रहा दवाई वाई लेने, मेरी बस की नहीं है भाग दौड़ करना, और दवाई मेरा मुझे नहीं लगता मेरा इलाज होगा। मैडम घर पे आई थी, सबके घर घर पे आप मैडम चेक कर रही थी कौन क्या चीज़ से बीमारी से वो है। तो मैडम को मेरी वाइफ से बात हुई थी कि यहाँ कि मेरे हस्बैंड का ऐसा हुआ था, थोड़े ब्लड होने का आने लगे। मैडम कह रही थी, इनकी मैडम ने बोला कि आप अपने हस्बैंड से मेरा नंबर दो, उन्हें बात करवाओ। फिर मैडम के पास गया मैं, मिला, बात करा, मैडम ने सपोर्ट किया, फिर ले जाके वहाँ पर करवाया सब कुछ, और एक्सरे की फिर मैडम ने सब करवाया मेरा, हाँ जाँच करवाया सब कुछ, फिर पता लगा वहाँ टीबी है। मेरा नाम पिंकी शर्मा है, दिल्ली लीड प्रोजेक्ट से हूँ मैं एज अ फील्ड ऑफिसर। मेरा नाम सुनील है और मैं युमाना से हूँ, लीड प्रोजेक्ट और एफ ओ हूँ मैं, फील्ड ऑफिसर, हम गुलाबी बाग एरिया देख रहे हैं। तो ये पेशेंट जो है इनका नाम है दीपू, ये पिंकी मैम ने इनको स्क्रीनिंग की थी इनकी, तो ये तकरीबन सितंबर के आसपास इनकी स्क्रीनिंग की थी, है ना। तभी ये थोड़ा सा जूझ रहे थे, मतलब तबीयत खराब से या मलगम आने से या ब्लड आने से, मलगम में तो थोड़ा जूझ रहे थे, तो इनको पता नहीं चल रहा था कि इनको गाइड नहीं हो रहे थे सही से कि भाई कहाँ से हमें क्या करना है कैसे करना है। तो मैम जब इनके एरिया में गई, इनके घर पे गई, वहाँ पे स्क्रीनिंग, तो इनकी वाइफ ने मैम को नंबर दिया अपना कि, या मैम का नंबर लिया कि हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ऐसे ऐसे। इन्होंने मतलब बताया नहीं था कि पहले से मतलब हॉस्पिटल में चेक करा चुके हैं दीपचंद बंधु में, तो उनको ना एक लाइन नहीं मिल रही थी कि उनको कैसे ट्रीटमेंट कराना है, कहाँ से शुरू कराना है। चेक कराया था और जब आपने जांच कराई कितना टाइम बीत गया? वो सर 1.5 महीना हो गया था पूरा। हाँ, 1 महीना तो आसपास। तो सर उसके बाद फिर मैम का नंबर लिया, मैम को कॉल किया कि मेरे हस्बैंड को दिक्कत हो रही है आप आइए, तो मैम गई उनसे बात, 1.5 महीना हो गया, गुलाबी बाग में लेके आए, डॉक्टर कंसल्ट कराया, फिर एक्सरे कराया, उसके बाद उनको स्पूटम के बारे में बताया, भाई तुम आप स्पूटम कराइए, मलगम जांच कराइए। तो एक्सरे में उनका एक तो अब नॉर्मल आ गया था, एक्सरे में ही क्लिनिकली थोड़ा सा डाउट आ गया था उनका। तो सर ये घबरा रहा था कि मुझे टीबी आ गई है, तो सर ये तब भी कह रहा था कि नहीं मैडम मैं दवाइयाँ नहीं खाऊँगा, मैडम ये नहीं खाएगा दवाइयाँ। तो सर मैंने इसको समझाया, इसको बहुत मोटिवेट किया कि नहीं देखो अब आपको टीबी आई है, और आपने मेन बात आपने मेरे से छुपाई कि आपको 1.5-2 महीने आपने पहले टेस्ट करा दिया था, आपने मेरे को बताया नहीं। तो सर मैं जैसे भी करके इसको फिर विश्वास दिला के या जो भी है मतलब से बातचीत करके मैं सर इसको गुलाई बाग लेके गई। फिर हमारे यहाँ का होता है कि सर से डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं तो DTO सर के पास लेके जाते हैं, तो ये थोड़ा डर रहा था कि नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊँगा सर के पास। तो सर ने इसको देखने के साथ ही बोल दिया कि मैडम ये दवाई नहीं खाएगा, ये तो ड्रिंक करता, और सर ये ड्रिंक करता भी था। तो सर ने बोला कि नहीं ये तो ड्रिंक करता है और ये दवाइयाँ नहीं खाएगा। तो मैंने कहा नहीं सर मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं इसका ट्रीटमेंट कम्प्लीट कराऊँगी, मतलब मैं इसका फॉलोअप करूँगी। तो सर फिर बोले कि मतलब आपके बेस पे, मतलब आपके भरोसे पे ही हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो 1 महीना हो गया था ये शायद दीपचंद में अपना करवा चुका था। तो मैं जैसे 1-to-1 स्क्रीनिंग कर रही थी, मेरे साथ एक चंदन सर थे जिनकी डेथ हो गई सर। तो जैसे मैंने स्क्रीनिंग करी तो सर की वाइफ मेरे को मिली, तो उसने बताया मेरे को कि मेरे हस्बैंड को ब्लड आ रहा है और जैसे बुखार भी होता है, खांसी भी हो रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं इसकी जाँच करवाती हूँ।
सर मैं अगले दिन ही मैंने उसको डब्बी देके गई और अगले दिन मैंने उसका स्कूटम लेके गई। तो फिर जैसे मैंने वहाँ पे सबमिट कराया तो फिर मैडम बोलती है मेरे को वहाँ की एलटी कि इसका तो पहले हो चुकी है और इसको टीबी भी है, तो आप इसको मतलब फिर आप कैसे लेके आए। मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता था क्योंकि जाँच हो चुकी है, पर कोई नहीं आप इसकी जाँच कर दो, मैं इसकी करवा दूँगी जो भी है। तो सर मैंने इसकी बलगम की जाँच कराई तो उसमें तो उसका नेगेटिव आया था। फिर मैंने इसका एक्सरे कराया तो एक्सरे में सर ये पॉजिटिव था। हाँ जी सर, एक्सरे के बेस पे ये था। फिर इसका मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया था। हाँ जी सर, सी बी नेट हुआ था वो भी नेगेटिव आया था। हाँ जी सर, दोनों नेगेटिव आया था इसका, एक्सरे पे पॉजिटिव आया था। तो सर उसके बेस पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। इसका एच आई वी शुगर मैंने ये सब कराया। मैंने इनकी वाइफ का भी कराया, बच्चा तो छोटा है सर अभी साल डेढ़ साल का है, तो मैंने इसकी वाइफ का चेक कराया तो वाइफ तो नॉर्मल थी सर। इसका एक्सरे भी कराया मैंने, उसकी बलगम की जाँच भी कराई कि भाई उनके साथ रहती है। तो फिर मैंने उन दोनों का भी कराया, वो दोनों मतलब वो नेगेटिव थी। फिर मैडम ने सपोर्ट किया हर जगह पे, लेके गए दवाई वाई, टाइम पे टाइम दवाई खिलाया, सब कुछ बात हुई वहाँ पर। हाँ, दवा गुलाबी वक्त से भी। और मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता था कि मुझे बहुत परेशानी हो रही, दवा खाने से गर्मी होती थी, सब कुछ होता था, मेरा मन नहीं करता था दवाई खाने की। फिर भी मैंने कोशिश किया दवाई खाने के लिए, मैडम ने कहा कि दवाई खाओ, टाइम पे टाइम दवाई खाना है, आपको छोड़ना नहीं है, दिक्कत आ जाएगी वरना 6 महीने के बाद फिर और लंबी कोर्स जा सकती है। अगर मैंने फिर भी एग्री होके मैंने खाया दवाई वगैरह सब टाइम पे टाइम खाया तो जाके आज मैं ठीक हूँ। पिंकी मैडम ने बोला बैंक खुला है कि नहीं खुला है आपका, तो मैंने बोला बैंक खुला हुआ है। फिर मैडम बोली कि अपना खाता नंबर वगैरह मैडम को दे दो, 500 रुपये हर महीने आते हैं, तो हर महीने 500 रुपये का मुझे वो लाभ मिला और राशन वगैरह मिला था मुझे। हर 6 महीने तक मिला 500 रुपये और राशन वगैरह भी मिला मुझे। हाँ, कैंप पे भी गया हूँ, बहुत अच्छा मिलता था दवाई वाई का, सब कुछ बढ़िया चल रहा था सर। पर इसका था कि मैंने इसको उन्हीं से पोषण योजना से वो लिंक कराया और जो उसके अकाउंट में 500 रुपये आते हैं मैंने उससे लिंक कराया। और जो भी जैसे सर हम यहाँ पे अवेयरनेस करते या कैंप लगाते हैं तो मैं इनको बुलाती हूँ हमेशा कि भाई यहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है। जैसे मेरे को टाइम से दवाई खानी पड़ी है, मैडम ने इतना समझाया मैंने तो कितनी बार दवाइयाँ सोचा था मैंने खाऊंगा नहीं छोड़ देता, मैडम ने फ़ोन कर कर करके मुझे दवाई खिलाई है, टाइम से टाइम दवाई खिलाई है। नहीं जा रहा था दवाई लेने तो मैडम ने बुलाया मुझे, दवाई टाइम से लेना है जाना है आपको। सुबह सुबह बोलती थी चिल्लाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था चलो कोई अपना ही मेरे को समझा रहा है, इसलिए मैं चला गया दवाई लिया टाइम से टाइम, तभी मैं आज ठीक हूँ। उसके बाद मैं आज जाके मुझे वो 2 तारीख को ठीक हुआ मेरा और अब मैं बिल्कुल भी फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे परेशानी। हाँ सर, एक दिन की बात और इसका मेरे पास रात को फ़ोन आया तो इसने मेरे को बोला कि मैडम मैं दवाई नहीं खाऊंगा। इसकी वाइफ से थोड़ा कुछ हो गया था, खाना नहीं दिया था या कुछ था ना दीपू, तो उसने ना सर दवाइयाँ फेंक दी थी, दवाई वाई फेंक दी थी सर इसने। तो मुझे ना सर इतना बुरा लगा, मैंने कहा मैं इसको भाई मानती हूँ, मैं दिल से भाई मानती हूँ इसको, ये भी मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरा पेशेंट है, मैं इसको फैमिली मेम्बर की उसे मानती हूँ। तो फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा देख तू दवाइयाँ फेंक देगा खाएगा नहीं, तो मैंने कहा देख ट्राई हो रही है कल तो तुम एक हो जाओगे ना सर, जैसे भाई को समझाते सर मैंने इस तरीके से समझाया इसको। तो मैंने कहा देख आज लड़ाई हो रही है कल तुम दोनों एक हो जाओगे, अब तुम्हें अपना आगे परिवार भी देखना है। तो मैंने कहा देख अगर तू बहन मानता है तो मैंने कहा दवाइयाँ तो शुरू करेगा। तो सर मैंने इसको घर पे आके काफ़ी समझाया, इसके हस्बैंड वाइफ को दोनों को बिठाया कि मैंने कहा देख जैसे कहते हैं ना सर, मैंने पेशेंट की तरह नहीं, जैसे मैंने सोचा कि मेरे भाई और भाभी फैमिली मेम्बर की तरह, मैंने को सर बहुत देर समझाया, काफ़ी देर में बैठी रही इन दोनों के पास, मैंने बहुत समझाया। मैंने कहा देखो लड़ाई झगड़े तो देखो सब में होते हैं आजकल, मैंने कहा हम भी करते, हमारे में भी होते हैं, देखो आप में भी है, मैंने कहा आज कर लोगे कल आप एक हो जाओगे। तो मैंने कहा देखो ये छोटा बच्चा है इसको फिर आप आगे कैसे देखोगे, अगर देखो अगर ये कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे तो ये कोर्स आगे भी बढ़ सकता है आपका, अभी तो आपका 6 महीने का है, आगे आपका 9 महीने का 12 महीने का ऐसे भी बढ़ सकता है। तो सर थोड़ा इनको समझ आया, मैं बातचीत करती रही इनसे, तो कह रहा मैडम फिर अब मेरे को मैडम दवाइयाँ नहीं देंगी, फिर आप चलोगी क्या मेरे साथ, मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी आपके साथ, मैंने कहा पर अब दवाइयाँ नहीं छोड़नी आपको। तो सर मैं इसको फिर दोबारा से लेके गई, फिर कह रहा मैडम पर मैं दवाइयाँ भी एक शर्त पर खाऊँगा अगर आप मेरे को गुलाबबाग मिलोगी तो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा जैसे जब भी आप मुझे फ़ोन करोगे सुबह तो मैं आपको मैं वहीं मिलूंगी गुलाबबाग। सर अभी तक 6 महीने हो गए, ये जब भी मुझे सुबह कॉल करता है या रात को कॉल करता है तो मैं इससे पहले इसको गुलाबबाग मिलती हूँ, तो मैं इसकी दवाइयाँ सर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इसने मेरा कहना माना और इसने 6 महीने लगातार दवाइयाँ खाई, जैसा मैं इसको बोलती आई समझाती आई सर इसने मेरा कहना माना, तो मुझे बहुत खुशी है आज।
तो अब मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में मैंने सर इसका स्पूटम भी सीवी नट भी कराया, एक्सरी भी कराया, सब नॉर्मल है सर। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा सा ऐसा लगता था, मैं काम करने में मुझे परेशानी हो जाती थी, गर्मी होता था और खड़े होने का मन नहीं करता था, थोड़ा सा बुखार सा ऐसा लगता था, मगर मैंने दवाइयाँ वाइयाँ चालू करी, अब सही है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, दवा ववा खाने पे हो गया था, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, दवाई मेरा कोर्स पूरा हो चुका है। ये मेरे साले को शिकायत हुआ है, पिंकी मैडम को बुला के उनसे बातचीत कराई, मेरे साले के भी ऐसी दिक्कत है कि टीवी का शिकायत आया बताया है, और इलाज इनका भी अच्छी तरीके से करा जाए, तो मैडम ने सपोर्ट किया है कि उनको भी ले जाके दवाइयाँ वाइयाँ टाइम से खिला रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे अच्छी तरीके से। इसके थ्रू सर इसका साला है ना विक्की, मुझे वो भी मिला सर यहाँ पे, तो वो भी ट्रीटमेंट ले रहा है सर, उसने भी दवाइयाँ छोड़ दी थी, बता रही थी मैं आपको उस टाइम जब, तो वो भी दवाइयाँ ले रहा है सर अब। जो प्राइवेट में जो खर्चा वगैरह हो जाता है वो सरकारी में अच्छा हो जाता है, मतलब एक फिर मैं जैसे एक दिन फॉलोअप करने के लिए आई थी तो इसकी वाइफ मेरे को अलग से ले गई, तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रही कि ना मैम मेरा ना भाई भी है, वो बहुत ड्रिंक करता है, मतलब कहते हैं ना वो ड्रग वगैरह यूज़ करता है, तो वो मुझे लगता है कि शायद उसको भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, वो HIV मतलब पेशेंट भी हो सकता है कुछ भी है, क्योंकि वो इंजेक्शन वगैरह भी यूज़ करता है सर। तो मैंने कहा मतलब घर में किसी का कहना नहीं मानता, वो किसी का कहना नहीं मानता, कह रही मैडम एक बार आप उससे मिलो, उसके टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा चलो, पर फिर सर मैं इसको मिलने गई तो पहले तो मेरे से मिल ही नहीं रहा था सर, बाहर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा भाई विक्की बाहर आओ, उसने मुझे बताया कि विक्की नाम है उसका, तो मैंने कहा विक्की बाहर आओ, तो मैंने उसको अपना परिचय दिया, फिर मैंने कहा विक्की क्या हुआ, तब भी ठीक नहीं है, कह रही कि मैडम नहीं मुझे ना वीकनेस लगती है बहुत ज़्यादा, और मुझे खांसी है, और मतलब मेरा ना वजन कम हो रहा है मतलब दिन से दिन। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं आपकी जाँच करवाऊँगी। सर मैंने उसका भी CV NET स्पूटम और एक्सरे कराया, तो सर उसका तो CV NET और एक्सरे में दोनों पॉजिटिव आया, तो उसका भी मैंने सर ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट कराया, सर के पास ले गई और मतलब लगातार फॉलोअप किया उसका सर। तो फिर मतलब कुछ टाइम तो उसने महीने दो महीने दवाई खाई सर, उसने फिर उसने भी दवाइयाँ छोड़ दी सर, मुझे नहीं पता चला इस बारे में कि उसने छोड़ दी थी, क्योंकि सर वो यहाँ से ना शिफ्ट हो गया था, ये नरे जॉब करता होगा ना सर, तो वहाँ पे फिर मैंने एक दिन मेरे पास कॉल आई कि मैडम मैं ना दवाई नहीं खा रहा मुझे मतलब कुछ दिन से, तो मैंने कहा क्यों दवाई क्यों नहीं खा रहे हो, कह रहे मेरे को नहीं खाना वो गुलाबी बाग में मैडम मैं ना तो मेरे को गुस्सा करती है मतलब मेरे को डांटती है। तो मैंने कहा क्यों डांटती है, तो मैंने कहा आप टाइम से दवाई लेने नहीं जाते हो, मैंने कहा मैं आपको जब जिस दिन आपकी दवाइयाँ ख़त्म होती है उस एक दिन पहले फ़ोन करती हूँ आपको, उससे भी फ़ोन करती हूँ कि विक्की आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं आज, तो मैंने कहा आप दवाई लेने जाओ, तो कह रहे कि नहीं मैडम मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैं और सुनील आए थे जब इनका फॉलोअप करने के लिए, तो सर मैंने इसकी मदर से बात करी, इसकी सिस्टर से बात करी, तो फिर वो बोल रही कि मैडम ये आपके भरोसे से ही जाएगा और जाएगा नहीं, दवाई खाएगा नहीं, हमारा तो कहना ही नहीं मानता, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, मारता है पीटता है, ऐसे रहता है, कह रहा मानता ही नहीं, इतना पीता ही है, मैंने कभी भी पी रहा है, कह रहा कि फिर उसकी मम्मी बोलती हाँ अभी भी पी रहा है। तो मैंने कहा देख भाई मैंने तेरे को मना किया था ना कि जब तक ये दवाइयाँ चलेंगी तो ड्रिंक नहीं करनी है, तो कह रहा कि नहीं मैडम कोई बात हो गई थी ऐसे, घर वाले मेरे को पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे तो मैंने पी ली। तो मैंने कहा देख, अगर मैंने सर इसका हाथ आगे पकड़ा, मैंने कहा देख मैं भाई मानती हूँ तेरे को, मैंने कहा भाई देख ज़्यादा टाइम की दवाई नहीं है, तेरे 3-4 महीने की दवाई और है, 2 महीने की कंप्लीट हो चुकी है, मैंने कहा देख बहन मानता है ना दिल से, तो मैंने कहा तू दवाइयाँ शुरू कर ले, मैंने कहा आज मेरे से दवाई लेने चल, कह रहे मैडम डांटेंगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं डांटेंगी मैं लेके चल रही हूँ तेरे को। फिर मैं और सुनील उसको लेके गए सर दवाई दिलाने के लिए, तो फिर मैडम समझाने लगी, कह रहे फिर मैडम गुस्सा करने लगी, मैंने फिर मैडम दूर से बोल दिया, मैंने कहा मैडम प्लीज़ थोड़ा गुस्सा मत करना, मैंने कहा ये थोड़ा आप दवाई लेने आए, तो फिर मैडम कह रही चलो ठीक है। फिर मैंने मैडम को बता दिया ऐसे कि मैम थोड़ा ये हो गया था, तो क्या फिर सर इसका भी यही था सेम कि अगर आप आओगे तो मैं दवाई लूँगा, पता नहीं सर मतलब यही लगता है कि शायद हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जैसे हम मानना वाले सर शायद क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ इन तक पहुँचेगा सर, नहीं पहुँचेगा ना सर, तो मुझे वही लगता है कि इन लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत है। 5 मिनट की दूरी है सर, ज़्यादा दूरी भी नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि देखो अगर ये दवाई लेने नहीं आएंगे 4 दिन नहीं आएंगे 5 दिन नहीं आएंगे तो सर जो TV HP है जो LT है वो तो यहाँ नहीं आएगी ना सर, पर हमको जैसे पता चल जाता है कि हमारी पेशेंट ने 2 दिन दवाई नहीं खाई है 1 दिन दवाई नहीं खाई है, तो हम इनके पास आएंगे सर, इनसे बातचीत करेंगे, इनको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे सर, तो मतलब ये कि सर इनको हमारी बहुत ज़रूरत है। फिर उस दिन के बाद अब वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, हालांकि वो ड्रग ही था, ड्रग्स मतलब वगैरह लेता था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उसको, बहुत मुश्किल भी आई मोटिवेट करने में, क्योंकि मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है उनको, समझाना पड़ता है, हाँ लेकिन भरोसा हो गया उनको, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे भरोसे पे दवा ले रहे हैं, और उनको पता है कि अगर ये हम नहीं लेंगे तो फैलेगी दवा,
वो बीमारी फैलेगी, कोई दवा नहीं ले पाता है, और घर में सबके साथ रहते हैं, पूरी फैमिली होती है इनकी, तो फिर उनको भी बढ़ेगी बीमारी। तो इस वजह से ये अवेयरनेस जो हमने फैलाई वो कामयाब रही, और वो ट्रीटमेंट ले रहा है अपना, और वो फॉलोअप में भी है हमारे लगातार, तो इन्हीं के थ्रू मिला है वो, दीपू के थ्रू। हाँ, और अब दीपू ने बोला भी आसपास में अपने कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इनसे मिल सकते हो, माना वाले से, या पिंकी मैडम से मिल सकते हैं, आते हैं तो वुमेन से मिले और अच्छे से बात करें और उनके साथ जाए, और अच्छे से अच्छे इलाज करवाएंगे मैडम। सब लोग को मेरे तरफ से जाना चाहिए लोगों को कि इनके साथ जाए और इलाज कराएं, क्योंकि एक तरीके से रिश्ते की प्रॉब्लम, रिश्ते से ही माना जाता है वहाँ पर, जैसे कि रिश्ते से ही सारा काम होता है वहाँ पर, ये नहीं पेशेंट की तरह से पेशेंट रखा जाता है। जब भी दवाई लेने जाता है ना सर, तो मुझे फ़ोन करता है, मैडम आप आओगे क्या भाई बाग? मैंने कहा नहीं भाई मैं आ रही हूँ, तो सर मतलब ये सोचता है कि अगर मैं जाऊँगी तो ये दवाई लेगा, क्योंकि सर देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि सर उनकी लैंग्वेज थोड़ा वैसी होती है, वो थोड़ा मतलब वैसे बोलने का तरीका नहीं होता कि इधर खड़े हो जाओ उधर चले जाओ, बाद में आना, ये करना वो करना। तो पिंकी मैडम जो है वहाँ पर जाके मैंने पिंकी मैडम को बताया, जाके मैडम ने वहाँ अच्छे से काम कराया, जो भी है वो बोलते हैं तो मैडम ने भाग भाग के खुद ही करवाया मैडम ने दौड़ दौड़ के साथ। देखो अगर ये भगवान का वो है कि शुक्र है कि मैडम ने मिली और घर पे आके बात करी मेरे से, और जो मैं गया इनके साथ मैं अब ठीक हूँ। मैं लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि अपने अपना इलाज जो भी है करवाएं और अच्छे से रहें, और दवाई टाइम पे टाइम खाएं, और पिंकी जैसे मैडम ना, जैसे कि पिंकी मैडम को सपोर्ट भी करें, और पिंकी मैडम के साथ में जाएं, और पिंकी मैडम ही हेल्प कर सकती हैं मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हर किसी को इलाज अच्छा हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इलाज होने के बाद, बहुत मैं खुश हूँ, मेरे को अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से खा पी सकता हूँ, और सही है पूरी शरीर में, अच्छा भी लग रहा है मुझे, हाँ मैं फिटनेस में हूँ। बहुत ऐसी परेशानी हो जाती है, और मुझे अचानक में हुआ है, ऐसा पता भी नहीं चला कि किसी की भी हो सकती है ऐसी बीमारी, उन्हें कराना चाहिए और अच्छे से दवाई लेना चाहिए, और टाइम पे टाइम दवा लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरी फैमिली मेम्बर अच्छा से रहे, और टाइम से दवाई खाएगा तो वही तो अच्छे से रहेगा। तो बहुत दिक्कत हो सकती है दवाई वगैरह नहीं खाने से, तो बहुत परेशानी हो सकती है। मैंने बहुत सुना है कि डेथ भी हो सकता है हर किसी का, वो हो जाता है कि वो ब्लड जाने से, ज़्यादा जाने से अच्छे आदमी रहते नहीं है, अब ऐसे दिक्कत परेशानी हो सकती है हर किसी को। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैडम की वजह से मैं ठीक हूँ इस टाइम। ईमाना ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। पिंकी मैडम ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करी है, एक्सरे वैक्सरे कराने में और सब कुछ लेके गई, साथ में करवाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। सब कुछ हुआ वहाँ पर अच्छे तरीके से हुआ, टाइम से टाइम हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। नहीं, परिवार में किसी का ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, और अचानक में मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत हुआ है, बस मुझे हुआ है, और किसी के ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी ना, कोई पहले मेरे घर में कोई बीमारी थी, और ये बीमारी किसी की भी हो सकती है, और मुझे अचानक में हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला था। मैं मास्क वास लगा के रखता था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, विवाह का वो नहीं होता, किसी की बीमारी हो सकती है, और जो टाइम से टाइम दवाई खाएगा तो वो ठीक ही हो जाएगा। लोगों को भरोसा हो गया है कि विमाना सपोर्ट करता है बंदों को, और DTO जो है ना हमारे, उनको भी भरोसा है कि ड्यूटी विमाना वाले अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ के DTO की बात नहीं है, सारा दिल्ली में जितने भी DTO है उनको सबको विमाना का पता है कि भाई ये किस बेस पे काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन कौन सी पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो उनको भरोसा है विमाना पे कि अगर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं तो उनका अच्छा ही करेंगे। तो इसी के भरोसे के नतीजे सर ये इसका रिजल्ट पूरा हुआ है। होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में कब तक लग जाएगा? बस उनका ये है कि हमारा मोटिव ये है कि उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, बस ये है सर। और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए होती है कि जैसे निक्षय पोषण योजना की सपोर्ट होती है, अकाउंट से रिलेटेड सपोर्ट होती है कि अगर अकाउंट उनका ओपन करवाना है, उनका अकाउंट नहीं है तो उसमें सपोर्ट करते हैं सर, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसमें सपोर्ट करते हैं, और अगर राशन मिल रहा है, राशन नहीं मिला उनको तो वहाँ पर जाके बोलते हैं उनको, उसमें सपोर्ट करते हैं। और जैसे निक्षय पोषण योजना में 500 रुपये मिलते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं कि भाई आपका आया है नहीं आया है पैसा, कि उनको सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी फाइनेंशियली या न्यूट्रिशन में कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो वो सब हम सर उनके फॉलोअप में रहते हैं उनके लगातार। तो कह रही बेटा मेरे बेटे को भी TV निकली है, तो मैंने कहा अपने टेस्ट कहाँ कराए, तो सर उसका रामपुरा पड़ता है, तो मैंने कहे थे रामपुरा से दवाइयाँ चल सकती हैं, कह रहे वो लेगा नहीं,
तो मैंने कहा क्यों नहीं लेगा, तो मैंने कहा मेरे को मिलवा सकते हो, तो बेटा उसकी ना टीवी आई है पर उसने मैंने टेस्ट सारे प्राइवेट करा दिए हैं। तो सर वो ना मैंने कहा आंटी मेरे को आप रिपोर्ट दिखाओगे एक बार, तो वो कहती हाँ चलो ठीक है बेटा मैं दिखाती हूँ। तो सर वो जैसे रिपोर्ट लेने के लिए अंदर गई ना तो रिपोर्ट लेके बाहर आई है उसका बेटा चाकू लेके आया सर। हाँ जी, तो फिर क्या कौन आया मतलब वो अंदर से ही सर चाकू लेके फिर ऐसे ऐसे करने लग गया मतलब, तो मुझे एकदम से देख के डर लगा सर। उसका ना मतलब शरीर भी ऐसा था जैसे रंग काला हो रहा था सर, पतला सा, तो मुझे भी देख के थोड़ा डर लग गया कि ये दुबला पतला सा है चाकू लेके जैसे बिल्कुल सर। हाँ सब मतलब जहाँ तक कि जो भी सारी ऐबें होती है ना सर वो सब उसमें अंदर होंगे। तो सर घर को मैं डर गई कि आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सुनील भी नहीं था सर, तो मैं थोड़ा रेलवे लाइन के पीछे हो गई। तो फिर वहाँ पे दो तीन लेडीज़ बोलती हैं कि मैडम ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे डराता है धमकाता है कुछ करेगा नहीं। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता ना इसका क्या है, तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ आई तो कह रही अभी जा रही नहीं, मेरे को उस तरीके से बोलता है तू जा रही नहीं जा रही है यहाँ से, मैं अभी करवाऊँ तेरा कोर्स कंप्लीट, मतलब अभी तेरे को दवाइयाँ शुरू करवाऊँ। मैंने कहा ये क्या बोल रहे भैया, फिर इस तरीके से बोल चल बोल के ना सर वो थोड़ा सा अंदर हो गया था। तो फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं मैं एक दो दिन बाद आऊँगी, तो मैंने कहा अभी आप ये डॉक्यूमेंट ये कागज़ रख लो। मैंने कहा अभी मैं देख भी नहीं रही, अगर सर मैंने देख लिया तो शायद ये कुछ अपने आप को कर ले। तो सर मैं थोड़ा सा मतलब वो करके मैं इधर फिर अपना आ गई थी। तो सर हमने फिर CPL को भी बताया था ये बात कि सर ऐसे ऐसे वो हमारे साथ महेंद्र सर सेंट्रल प्रोजेक्ट लीडर, तो उनको बताया, वो कह रहे थे कि भाई मैं भी आ जाऊँगा सपोर्ट के लिए अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो। फिर मतलब हमें सपोर्ट मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है, और सपोर्ट की वजह से ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बेझिझक। हम कोई भी सर डर नहीं लगता जैसे डर नहीं लगता हमें कि भाई हमें क्या कर रहे हैं, हमें क्या हाँ पूरा सही हो रहा है। और ये मेरी मैं तो अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, खैर मेरे घर में कभी मम्मी को हुई थी, हमें उस टाइम पता नहीं था टीबी की बीमारी के बारे में क्या हुआ है क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको भी काफ़ी चीज़ें थी जो सिम्टम्स हम अब देखते हैं उनको थे, लेकिन वो उसी की वजह से वो मतलब बाद में कुछ और बीमारी बन गई, फिर वो एक्सपायर हो गई थी, तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि टीबी के बारे में क्या है। लेकिन 2000 जब से मैं इसमें विमाना में जुड़ा हूँ हमें पता चल गया है टीबी कितनी ख़तरनाक होती है, क्या बीमारी, इससे जान भी जा सकती है, क्या क्या इसके उपाय है और कैसे फैलती है, सारी चीज़ें हमें पता है। तो हम लोगों को जागरूक करते हैं इसके लिए सर, अच्छे से ट्रेनिंग मिली है सर दो तीन बार। ट्रेनिंग मिली है हमें विमाना से, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं विमाना के कि भाई उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। हमारे सीनियर हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे CPL है सुपरवाइजर है सपोर्ट करते हैं हमें कि भाई आप वहाँ जाके ये कर लो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो हम भी फिर बेझिझक चले जाते हैं सर, उनको जागरूक करते हैं, जैसे हाईली रिस्की पॉपुलेशन होती है लेकिन हम फिर भी जाते हैं, उनको अवेयरनेस में करते हैं उसको, उनको दवा के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में और जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है उसके बारे में, भाई आपको अगर दवा नहीं लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कोई दवा नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगी किसी और को हो जाएगी, उसकी जान चली जाएगी, और अगर आप दवा खा के पूरा ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो रहा है, आप मतलब टीवी चैंपियन बन रहे हो, तो आप आगे आओ, आप हमारे साथ आओ, अवेयरनेस फैलाओ, बोलो भाई मैंने ट्रीटमेंट पूरा लिया है आप भी पूरा करो। अगर किसी को कोई शिकायत हो रही है तो बेझिझक या तो हिमाना से जुड़िए या अपना चेस्ट क्लिनिक में जाके टेस्ट कराइए, डॉक्टर से मिलिए। तो इसके लिए सर हम पूरी अवेयरनेस में लगे पड़े हैं सर, पूरा अवेयरनेस फैला रहे हैं सर, और ये बड़ा मुश्किल है सर ये ऐसे पॉपुलेशन में जाके सपोर्ट करना और उनको निकालना। बस वो है सर, अब जैसे स्टेक होल्डर की हेल्प मिल जाती है या किसी एरिया की जानकार की हेल्प मिल जाती है तो बहुत सपोर्ट हो जाती है। बाकी हमारा मोटिव यही है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो, वो टीवी चैंपियन बने, दवा ना छोड़े, खाना पीना ठीक से खाए, ठीक है, और गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटी मिल रही है उसको ले आगे होके, ये पीछे ना हटे। और अगर कोई उसके आसपास है किसी को दिक्कत हो रही है तो वो उसका सपोर्ट करे, ना कि उससे पीछे हटे, उसको बताया कि भाई मैं भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, आपको जाँच करानी चाहिए, ये टीवी फैले ना, ये टीवी कल को मौत का कारण बन सकती है, तो आप लोग सही से ट्रीटमेंट लें और आप अच्छे से ट्रीटमेंट लें।